तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हाजिर हो चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। इस मूवी को थिएटर में रिलीज हुए आज 19वां दिन है, लेकिन कल ऑफिशियल कलेक्शन 18वें दिन का निकल कर आ चुका है। तो बात करेंगे कल के दिन पर इसने कितना कलेक्शन किया है। आप लोगों को पता है कल था संडे यानी कि वीकेंड था, और सैटरडे का भी आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि फ्राइडे वाले दिन तक का पहले 16 दिनों का मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस मूवी का वीकेंड कैसा रहा, सैटरडे और संडे पर इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया, इंडिया का भी बताऊंगा, ओवरसीज का भी, और टोटल इस मूवी ने पहले 18 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कितनी कर ली है। तो अगर आप लोगों को भी जानना है तो बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो गाइस वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस मूवी की स्टार कास्ट की बात की जाए तो मूवी के लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर जैसी बड़ी स्टार कास्ट देखने को मिलने वाली है। मूवी के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद और मूवी को सिर्फ सिंगल लैंग्वेज हिंदी में ही रिलीज किया गया है। बात करें अगर मूवी के बजट की तो मूवी का बजट है 300 करोड़ रुपये का बड़ा बजट। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी के कलेक्शन की। तो गाइस इस मूवी का 16वें दिन पर इंडिया से नेट कलेक्शन था 1,75,00,000 रुपये, लेकिन सैटरडे वाले दिन पर अच्छा जंप देखने को मिला और इस मूवी ने सैटरडे वाले दिन यानी कि 17वें दिन पर जो कलेक्शन किया वो निकल कर आया 3,65,00,000 रुपए, जो कि एक बहुत ही बड़ा जंप था और लगभग 108% का जंप देखने को मिला इसके कलेक्शन में, जो कि एक बहुत ही बड़ा जंप था। कल की कलेक्शन की बात करूँ तो कल भी अच्छा जंप देखने को मिला और लगभग 10% का और जंप देखने को मिला, और इस मूवी का जो कलेक्शन निकल कर आया इंडिया से नेट कलेक्शन है वो निकल कर आया पूरा 4 करोड़ रुपए। जी हाँ, इस 4 करोड़ का कल इसने नेट कलेक्शन इंडिया से किया है, जो कि संडे वाले दिन पर अच्छा कलेक्शन है। बात करें मूवी का टोटल कलेक्शन कितना हो चुका है, तो टोटल इस मूवी ने जो कलेक्शन कर लिया है पहले 18 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन वो हो चुका है 197 करोड़ रुपए। जी हाँ गाइस, 197 करोड़ रुपए का इस मूवी ने नेट कलेक्शन इंडिया से कर लिया है, और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये मूवी 200 करोड़ के नेट कलेक्शन में शामिल होने वाली है। इस कलेक्शन को अगर ग्रोस में देखा जाए तो ये इंडिया ग्रोस बनता है 236,25,00,000 रुपए। ओवरसीज की बात की जाए तो 94,94,000 रुपए इस मूवी ने ओवरसीज से ग्रोस कलेक्शन कर लिया है, जो कि देखा जाए ओवरसीज से भी इस मूवी ने अच्छा कलेक्शन कर लिया है। और अब इस मूवी से मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद आनी शुरू हो चुकी है कि ये मूवी जो है एक सुपर हिट बन सकती है। वो कैसे वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो टोटल अगर आप लोगों को बताऊँ इंडिया और ओवरसीज का मिलाकर, तो टोटल इस मूवी ने जो पहले 18 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया है वो हो चुका है 330,25,00,000 रुपए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा ये जो मैं आप लोगों को नंबर बता रहा हूँ ये ट्रेड का नंबर है। जो मेकर्स ने आज पोस्टर दिया है वो है 337 करोड़ रुपए, लेकिन ट्रेड के मुताबिक 330,25,00,000 रुपए का इस मूवी ने पहले 18 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया है। तो आप लोगों को मैं हर वीडियो में बताता हूं कि इस मूवी को सुपर हिट होने के लिए जो है कलेक्शन करनी पड़ेगी इंडिया से नेट कलेक्शन 250 करोड़ से ऊपर की। तो अभी तक तो 200 करोड़ के खिलाफ में ये मूवी शामिल होने वाली है। अगर ये मूवी ऐसे ही चलती रहती है और अगर 15 से 20 दिन आगे 1-2 करोड़ के आसपास, तो ये मूवी आराम से 250 करोड़ का नेट कर सकती है और एक सुपर डुपर हिट बन सकती है। बाकी मूवी के रिव्यूज जितने अच्छे निकल कर आए थे उतना अच्छा इस मूवी को रिस्पांस देखने को नहीं मिला। ऊपर से इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी इस मूवी में, डायरेक्टर भी अभी पठान जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी देकर आए थे, तो यानी मुझे इस मूवी से उम्मीद थी कि ये मूवी इंडिया से 500 करोड़ का नेट कर सकती है और वर्ल्ड वाइड 1,000 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है, लेकिन वैसा नहीं हो पाया और ये मूवी जो है जितनी हमें इससे उम्मीदें थी उस पर पूरा नहीं उतरी। बाकी आपने अगर इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी। अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखना। इसकी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।